जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। अगर विगत 10 साल की हम मैं बात करूं तो लगभग बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य राज्यों पर नहीं बढ़ा है, पूरे भारत की स्थिति अगर देखी जाए, SST आयोग तो आंख मूंछ करके ये दोनों सो रहे हैं, पता नहीं इसमें किस DNA के लोग हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं सरकार के द्वारा जारी आंकड़े हैं, अगर उन्हीं की पड़ताल कर ली जाए तो देश में दलितों पर, SC ST यानी आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। तो ऐसा क्या है कि सारी संस्थाएं अच्छे कानून होने के बावजूद भी ये अत्याचार की जो दर है वो बढ़ती चली जा रही है? शिक्षा का अगर विकास हुआ है तो ये दर तो कम होनी चाहिए। कहीं मूछ के नाम पर हत्या होती है, कहीं जूतों में पानी पिलाया जाता है, जबकि संविधान लागू है। संविधान और लीगल जानकारी होने के बावजूद भी एक जो मनुवाद का जो आतंकवाद जो घुसा हुआ है लोगों में, वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिन्हें उनकी जो शास्त्र पद्धति है वो मजबूत करती है। चलिए आज की एक घटना की मैं बात करूं। हाईकोर्ट इलाहाबाद का जो निर्णय है, इलाहाबाद का सम्मान करते हुए, हार्दिक रूप से सम्मान करते हुए कॉलेजियम के जो जज हैं उनके निर्णय की जो प्रक्रिया है, उनकी जो समझ है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। न्यायालय का सम्मान करते हुए मुझे लगता है कि हाईकोर्ट जो आपका इलाहाबाद है वहां के जज कानूनों की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से धमकाने पर ही लागू होगा SC ST एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हुआ यह कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पूरी का प्रक्रिया में पढ़ के सुनाता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या धमकाने पर ही SC ST एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हाई कोर्ट का ये निर्णय है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बहुत जरूरी है, अन्यथा जो छोटी छोटी अदालतें इसे देख करके आपके मामले को खारिज करती रहेंगी, पुलिस खारिज करती रहेगी। सीधा सीधा मेरा मतलब आपका कहने का है कि जो सामाजिक संगठन है उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। अगर इस निर्णय पर धीमे धीमे जो SC ST एक्ट पर अंदर से घात हो रहा है, इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि SC ST एक्ट जो कि दलितों को बचाने के लिए आया है, उनकी सेफ्टी के लिए आया है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आया है, ये प्रासंगिक नहीं रह जाएगा। चलिए इस निर्णय के और ये अखबारी कटिंग पर हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, यदि अपराध सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया है तो SC ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की कोर्ट ने बलिया के पिंटू सिंह उर्फ राणा प्रताप सिंह और अन्य की अर्जी पर उक्त आदेश देते हुए SC ST एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया है। साथ ही कहा है कि अन्य अपराधों के बारे में कार्रवाई जारी रहेगी। यह जाति का एंगल बहुत देखना जरूरी है। जो दुई जातियों के जो जज होते हैं वो SC ST एक्ट की व्याख्या इसलिए नहीं कर पाते, वो कॉलेजियम से जुगाड़ करके वो आते हैं, उन्हें ज्यादा नॉलेज होती नहीं है और जाति की भावना से प्रेरित रहते हैं, इसलिए कॉलेजियम ये ऐसे जो निर्णय आते हैं वो कॉलेजियम से अयोग्य जजों की वजह से आते हैं। इससे हमारी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हमारी क्या भूमिका होना चाहिए? भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारतीय न्यायपालिका को सम्मान करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी उन तथ्यों की जांच पड़ताल करें। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि एक डेटा कलेक्शन की। हमारा जो टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी और BCNC न्यूज, ये दोनों जो वेंचर है, आज ये निर्णय हुआ कि हम विगत 10 साल में जो अत्याचार हुए हैं उसका तो आंकड़ा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीमित पीरियड पर 2019 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक SC ST पर जो अत्याचार हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, उसका डेटा कलेक्ट किया जाए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आपके पास डेटा होना चाहिए, यह डेटा ही आपको आपकी आवाज आपकी न्यायपालिका में, मीडिया में और विभिन्न जो संस्थान है वहां रखने में
मजबूती प्रदान करेगा। उसी में बीसीएनसी न्यूज और टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी ने यह डेटा कलेक्ट करने का निर्णय किया है। अब न सहेंगे अत्याचार, क्यों सहें? भारतीय संविधान लागू है, भारतीय संविधान में हमारे जो राइट्स हैं उसे जान करके भी अगर हम पर अत्याचार होते रहेंगे और हम सहते रहेंगे तो हम ही दोषी होंगे। इसलिए अब यह मुहिम चालू होनी चाहिए कि अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे। अब अखबार यह दैनिक भास्कर है, और जो आंकड़ा की बात करें तो अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में यूपी टॉप पर है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय भी आया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 5 बीजेपी शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है, यह बता रही है सरकार की एजेंसी है, वही बता रही है। अब एससी एसटी एक्ट के बारे में जो अपराध, उससे संबंधित जो अपराध आए हैं, है ना, यानी एससी एसटी के खिलाफ अपराध की बात करें हम, तो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के तहत 57,582 मामले आए थे। 2021 की तुलना में ये कितने परसेंट की वृद्धि है? मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम नियंत्रण कर रहे हैं अपराध पर, तो भाई ये 13.1 की प्रतिशत की वृद्धि क्या बता रही है? आपका आंकड़ा है वो तब है जब बहुत से केस केवल थाने से बाहर से लौट जाते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन नहीं दे पाते, उनके केस दर्ज नहीं हो पाते हैं। सबसे अधिक प्रतिशत के मामले में सारा चोर की श्रेणी के तहत दर्ज किए गए हैं, ऐसे 18,428 मामले हैं। इसके बाद 5,274 आपराधिक धमकी के मामले में है, और 4,703 मामले एससी एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। यहां पर यूपी क्या है, आपका शीर्ष पर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये जो डेटा है मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं। पड़ोसी जिले में अत्याचार हो जाता है या दूसरे स्टेट में अत्याचार हो जाता है, तो जो बहुजन समाज है, जो एससी और एसटी जो वर्ग है, वो खामोश बना रहता है। अब ये जागरूकता होनी चाहिए कि देश के किसी कोने पर अगर हमारे समाज के किसी व्यक्ति पर अगर हमला होता है, उसके खिलाफ अगर अपराध किया जाता है, उसे दंडित किया जाता है, उसके मानवाधिकार को छीना जाता है, उसके मूलाधिकार को छीना जाता है, तो हम एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। तो इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि एसएसटी पर होने वाले अत्याचार, अपराध, ये घटना अगर कोई भी होती है तो उसकी आवेदन की एक प्रतिलिपि हमारे संस्थान को जरूर भेजें। ये जो आप थाने में जाते हैं, जो रिपोर्ट लिखाते हैं, उसकी एक प्रतिलिपि हमारे संस्थान को जरूर भेजिएगा, ताकि ये डेटा, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि ये डेटा ही आपका बहुत महत्वपूर्ण रहता है, सरकार के जो संस्थान है वो डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास रहेगा तो आपको टू द पॉइंट आप अदालत में बात कर सकते हैं, टू द पॉइंट संसद में ये बात करवा सकते हैं, अपने सांसदों अर्थात प्रतिनिधियों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, एमएलसी के माध्यम से करा सकते हैं, बस आपके पास डेटा होगा तब। तो आने वाली जो सरकार है, चाहे वो मोदी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमारा सीधा लक्ष्य 2025 में उनसे आंखों में आंखें डाल करके संवाद करना है कि ये हमारे आंकड़े हैं, उसमें क्या निर्णय लिया हुआ है, और हमें इस पर जजमेंट चाहिए। इसी आधार पर हम न्यायपालिका से भी गुजारिश कर पाएंगे कि एक चरणबद्ध तरीके से नियमित ट्रायल करके हमारे इन जो हमारे साथियों के पास जो अत्याचार हुए हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, हमारी महिलाओं के साथ जो गैंगरेप हुए हैं, हमारे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उनका निर्णय जल्दी हो सके। लेकिन हमारे पास डेटा होगा तब तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए वो क्या करना है, जो एप्लीकेशन आप लिख के भेजते हैं, थाने में देते हैं, उसकी एक प्रतिलिपि हमको भी भेजिएगा, लेकिन रजिस्टर्ड डाक से है, और उस पर राज्य का नाम और जिले का नाम, किसका, राज्य का नाम और जिले का नाम लिख करके भेजना है। पता क्या है नोट कर लीजिएगा, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, सेक्टर 12, हाउस नंबर 687, मुंशी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ। नंबर है 8604987816 है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो दूसरा नंबर है, इस पर केवल आप व्हाट्सएप करेंगे, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6388671098। ये हमारे पहल है,
हर उस बेटी के लिए, हर उस बच्चे के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस देश में रहता है, और कुछ सावंती लोग, कुछ अपराधी लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसकी मानवीय गरिमा के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। तो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, मोदी सरकार और राहुल दोनों से ये अपना हिसाब किताब करने के लिए आंकड़ों के साथ उनके साथ बैठेगी। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप उसमें अपनी भूमिका जरूर निभाएं। और आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई अपराध होता है या कोई ऐसी घटना होती है, उसकी जानकारी हमें इस नंबर पर 6388671098 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें। अगर अखबार की कटिंग है तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम वहां पर उसको डेटा को कलेक्ट करके संबंधित अधिकारी से बात करेगी। साथ ही ये डेटा को हम संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रखवाएंगे, उसका एक तरीका है, संवैधानिक तरीका है, मैं कभी अलग से बात करूंगा। यहां एक बात और समझ लीजिएगा, ये जो डेटा की जो पहले हमारी 2019 से 30 अप्रैल 2024 तक की है ना, ये डेटा है। लेकिन अभी कोई भी आती है तो आपको भेज सकते हैं, लेकिन हमें एक रिकॉर्ड, टाइम बाउंड रिकॉर्ड बनाना है 2019 से 30 अप्रैल 2024 तक है। और इसके अलावा भी जब भी कहीं कोई घटना होती है आप हमको जरूर सूचित करेंगे, हम उसे अपने मीडिया संस्थान के माध्यम से फिर जो लेखन का जो तरीका होता है, जो अधिकारियों को लिखा जाता है, वो ड्राफ्ट का करके वहां से कार्रवाई आरटीआई मांगेंगे, उससे संबंधित जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है वो हमारी जो टीम है वो बैठ के करेगी। आप अपनी इस भूमिका को निभाएं और ये जो डेटा है हमको जरूर भेजें। अगर आपके आसपास अगर कहीं अत्याचार हुआ है और उसका केस दर्ज हुआ है तो हमको ये डेटा जरूर भेजें, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार।